दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। क्या सच में आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है? किसने पता किया? दोस्तों हम सभी ने कहीं न कहीं से पढ़ा है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है, परंतु क्या इस बात में सच्चाई है? आइए जानते हैं इस बारे में। वर्ष 1907 में एक सम्मानित अमेरिकी वैज्ञानिक डंकन मैकडॉगल एक अजीबोगरीब परीक्षण के जरिए यह जानना चाहा कि आत्मा का वजन कितना होता है। इसके लिए डंकन मैकडॉगल तथा उसके 4 साथियों की टीम ने 6 ऐसे मरीजों को ढूंढा जिनकी आने वाले कुछ समय में मृत्यु होने वाली थी। ये सभी मरीज अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे। जब मैकडॉगल को लगा मरीजों का अंतिम समय आ गया, तब उसने सभी मरीजों के बेड को एक एक करके एक वेट मशीन पर रखा और यह मशीन इतनी सटीक थी कि वजन के मामूली से मामूली अंतर को भी तुरंत भांप सकती थी। इस परीक्षण में मरीजों का वजन मरने से पहले तथा मरने के तुरंत बाद नापा जाना था। जब पहले मरीज की मौत हुई तो वह मौजूद सभी डॉक्टर दौरान रह गए। मरीज के मरने के ठीक बाद उसके वजन में लगभग 28 ग्राम की कमी आई। इसके बाद यह परीक्षण दूसरे मरीज पर किया गया, पर इस बार वजन में आई कमी पहले की अपेक्षा थोड़ी कम थी। परंतु जब तीसरे मरीज पर यह प्रयोग किया गया तो मैकडॉगल को लगा कि उनका प्रयोग असफल हो गया, क्योंकि उस मरीज के वजन में कई कमी नहीं आई, परंतु मौत के एक मिनट बाद उसके वजन में लगभग 27 ग्राम की कमी आई। इस पर मैकडॉगल ने बहुत अटपटा बयान दिया कि वह मरीज काफी सुस्त था, इसीलिए आत्मा को शरीर से निकलने में वक्त लगा। तीसरे मरीज के भी वजन में कमी दर्ज की गई। 4 मरीजों पर यह प्रयोग सफल रहा, बाकी 2 मरीजों पर मशीन में खराबी के कारण यह प्रयोग नहीं हो पाया। सभी डॉक्टर की गणना की औसत के आधार पर मैकडॉगल इस नतीजे पर पहुंचा कि मनुष्य की आत्मा का वजन लगभग 21 ग्राम होता है। मैकडॉगल की इस परीक्षण को लोग 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस अजीब प्रयोग पर हॉलीवुड में 21 ग्राम नामक मूवी भी बनाई गई थी।